हमको गुणवाना राज्य चाहिए, हमने 258 रियासत किया है भारत के लिए। नेहरू जी साफ मना कर दिया, आप इस सदन में गुणवाना राज्य की मांग नहीं कर सकते। तो ये अन्याय है कि नहीं है? हमने 258 रियासत किया ना, सिर्फ चिल्लाने भर से कुछ नहीं होगा, आपके मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे गोंडवाना जो राज्य है उसको खत्म किया गया है, अभी भी यही खत्म। डॉक्टर सुरीनाम जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, मैं एक वो यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, उसमें डॉक्टर सुरीनाम है, जितना छत्तीसगढ़ का मांग नहीं था उससे ज्यादा गोंडवाना राज्य का मांग था। 200 पेज का विधानसभा में अपना बात रखे थे, 200 पेज में गोंडवाना राज्य से संबंधित जो विषय है, डॉक्टर सुरीनाम जो है जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो अपना जो राय है गोंडवाना राज्य के लिए रखे, लेकिन किसी ने गोंडवाना राज्य के लिए हामी नहीं भरा। आप गोंडी भाषा की बात करते हैं, मैं तो दोनों को बोलूंगा, जो दो, क्योंकि आप लोग दो ही लोग ऊपर जानते हैं, एक कमल और एक पंजाब, दोनों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों को आप जो है फिर ताज एकदम सी में बैठा कर रखे हैं। अभी तक 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा लागू हो जाना चाहिए, क्यों दादा? 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हम तो गोंडी धर्म संस्कृति की बात करते हैं ना, तो हमको बोलने में झिझक क्यों? आपके आपके जो जनप्रतिनिधि जिसको आप वोट दिए हैं उनको पूछिए कि आपने गोंडी भाषा के लिए अपने इतना बार आवाज उठाया विधानसभा में। सांसद को पूछे, संतोष पांडे को पूछे कि आपके गोंडी भाषा के लिए कितना बार आवाज उठाए, एक भी बार, क्योंकि वही लोग हमारे आवाज को दबाने वाले लोग हैं। आप वोट का महत्व समझिए, गोंड गोंडी गोंडवाना को खत्म करने वाले ये दो ही लोग हैं। शंभू शेख को जो जानते हैं हम मानते, बहुत अंतर है, जो जानते हैं वो जय सेवा बोलेंगे, लेकिन जो मानते हैं वो कभी भी जो है शंभू शेख के बातों को नहीं, वो सिर्फ शासक, बेटा तुम शासक बनो, शंभू शेख का कहना है बेटा तुम राजा बनो, जैसे मैं राजा था आप राजा बनो, लेकिन आप दूसरे के बेटा को राजा बनाते हैं। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक बात और बोलूंगा कि हमको भटकने की जरूरत नहीं है सर, मैं तो आपसे आपका ही बच्चा हूं, कुछ जो शब्द अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा, मैं आप सभी से सीखने आया हूं, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, हमको भटकने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि गोंडवाना के पास जो विद्या है, गोंडवाना के पास जो पेन शक्तियां हैं, गोंडवाना के पास जो महाशक्तियां हैं, गोंडवाना के पास जो महापुरुष है, वो किसी अन्य समुदाय में नहीं मिलेगा। वो कैसे? जो टीवी डोंगर कर अच्छे करने वाले हमारे बीमार पेन, और कोई नहीं करता रक्षा, उनके अनुमति के बगैर कलंदर नहीं आता। जो खेती के बारे में बताने वाले हमारे विशेषज्ञ, सर्वप्रथम हम जो 7 प्रकार का बीज लेके जाते हैं हमारे ठाकुर देव, हम किसी और के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, तो हमारे पास हमारा ठाकुर देव है। हमको रोग राई से दूर रखने वाली हमारी खेरोदाई, तो ऐसे ऐसे हमारे वैज्ञानिक है हमारे बीच में, आज की जो भाषा वर्तमान भाषा जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं, जिसको आप लोग आज के समय मितानी के रूप में पूछते हैं ना, तो उस समय में हमारी जो खेरोदाई है उस समय की मितानी थी। वो विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक जो शोध करता जो शोध किए, संगीत का शोध करने वाले हमारे हीरासुको पाटीदार दादा, जिन्होंने अपने किंगरी बजाकर जो 33 करोड़ देवी जो पेन शक्तियां हैं उसको बाहर निकाले,
हमारे बीच संगीत के सबसे पहला जो ध्वनि निकालने वाला कौन थे? हीरा सुगा पाटलीदार। और कुछ समय पहले हम सुन रहे थे, ये भी बात सत्य है, जो अभी जो 19वीं सदी में, जो 18वीं सदी में सर्वप्रथम जो है महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाली सावित्री बाई फुले, लेकिन उससे पहले कौन है ये भी तो जानना जरूरी है ना। रतार गंगोदाई, रतार गंगोदाई ने सबसे पहले महिलाओं के लिए गोकुल बनाए, शिक्षा का केंद्र खोले, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री थी, जो हमारे समाज की जो गर्भवती स्त्री थी, जिसको समाज ने बेदखल कर दिया था, उनके लिए सर्वप्रथम आश्रम खोलने वाली हमारी माता काली कंकाली ने, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। ये जो है अपने संस्कृति सभ्यता को जानना हमको बहुत जरूरी है। और जो शंभू शेख को मानते हैं वो तो सिर्फ सेवा सेवा ही बोलेंगे, और जो जानते हैं और मानते हैं दोनों करते हैं, वो अपने बेटा को जो है राजगद्दी सिंहासन में बैठा कर रखेंगे। नहीं तो आप, मैं सोचूंगा कि जो आप लोग सिर्फ जानते बस हैं, मानते नहीं। शंभू शेख जो है हमको राज शासन करना सिखाया है, आप उसका अपमान मत करिए। दूसरे के जो बेटी बेटा है उसको आप राजगद्दी में बिठा के आपने शंभू शेख का अपमान किया है, तो आप अपने बच्चों को राजगद्दी में बिठाना चालू करिए, फिर देखना गोंड गोंडी गोंडवाना का एक वृहद जो राज है वो पुनः वापस लौटाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना जो है विचार यही स्थगित करता हूँ। आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय सेवा, जय प्रपेन, जय गुणवाना, बना के रहेंगे गुणवाना।